Hello guys, welcome to my channel. So in this video we will discuss the RAS 2018 examination answer key. Okay, hum is video mein 2018 ki RAS ki jo pariksha hui hai uski answer ki discuss karenge. Main aasha karta hu aap sabka paper bahut hi dhansu bahut hi acha hua ho aur to aaiye hum chalu karte hain apna video. Okay, to pehla question tha jahan pe dekhiye aap list 1 de rakhi thi aur list 2 de rakhi thi. तो उनको अपन को मैच करना था. सो जालोर जालोर में बरवाड़ा जालोरा, तो इसमें अपन वैसे ही अपन जालोर से झालोरा देख सकते थे, तो उसमें एक ही ऑप्शन है. तो आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर, राइट. फिर विच ऑफ द गिवन हिल्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ द विंध्यन हिल रेंजेस, विंध्यन रेंजेस इंडिया, मतलब मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए मुकुंद्रा हिल्स. ओके, मुकुंद्रा हिल्स इसका आंसर है, क्योंकि दोरा हिल्स तो मध्य प्रदेश में है, अलवर तो ऊपर की साइड पर जाता है, तो मुकुंद्रा हिल्स इधर ही है, राइट. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, राइट. सो मेरे को पता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज्यादा होंगी, तो आंसर होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 544. सो देख लेना है डी का आंसर 3 होना चाहिए, डी का आंसर 3 केवल एक में ही है, तो आंसर नंबर 3 होना चाहिए इसका आंसर. द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बिल कोलेबरेटिंग विद इसरो टू डेवलप, ये न्यूज आई थी कि एक बैटरीज का सोलर मतलब लिथियम आयन की बैटरीज थी, सॉरी लिथियम आयन की बैटरीज थी, वो उसकी टेक्नोलॉजी इसरो बेल के पास ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है. तो जी ए सोलर सेल्स, ठीक है ना, तो मैंने तो ये लगाया है, देखते हैं आगे क्या होता है. ओके, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है. मेरे को सारे स्टेटमेंट सही लगे. मार्बल डेवलपमेंट कंजर्वेशन रूल 2002 वो था ये. राजस्थान मिनरल पॉलिसी 2015 बिल्कुल सही. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन प्लस 2016 में बिल्कुल सही. राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स बिल्कुल 2016 में अमेंड हुआ था, अमेंडेड अप टू 2016. मैच द फॉलोइंग, सिद्धमुख प्रोजेक्ट जो आया था वो हनुमानगढ़ और चूरू में आया था, तो उसमें देख लिए आंसर है 1 एंड 3, ठीक है. तो नर्मदा प्रोजेक्ट जो आया था वो आया था जालोर और बाड़मेर में, है ना, नर्मदा और जालोर और बाड़मेर प्रोजेक्ट्स में बेनिफिशरीज आएंगे, तो आंसर हो गया. अच्छा, इसमें भी बी में भी 1 बना रहा है. तो जवाई प्रोजेक्ट का तो मुझे याद नहीं है, जैसे जाखम प्रोजेक्ट जरूर उदयपुर और प्रतापगढ़, क्योंकि मैं चित्तौड़गढ़ से ही हूँ, तो मेरे को याद है जाखम प्रोजेक्ट उदयपुर और प्रतापगढ़ को बेनिफिशरी रहेगा, तो आंसर होना चाहिए इसका 3, है ना. हाँ सही है ये आंसर, 3 ही होना चाहिए इसका आंसर. डस्ट स्टॉर्म ओरिजिनेटिंग इन राजस्थान इन मई एंड जून मंथ आर कॉज्ड ड्यू टू, ठीक है ना, आर कॉज्ड ड्यू टू ओरिजिन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, हाँ बिल्कुल सही है. अरावली हिल्स आर पैरेलल, बिल्कुल सही है, क्योंकि अरावली हिल्स क्या होती है कि जैसे कि अगर कोई वो जो करंट आपको पता है, आपको होगा वेस्टर्न विंड्स जो चलती हैं और अरावली हिल्स उनके पैरेलल हैं, तो क्या होता है उनको वो रोक नहीं पाती हैं, और उसके कारण जो विंड्स थी वो पूरा धुआं लेके ही, मतलब जो मिट्टी होती है जो अपनी डेजर्ट्स में, उसको उड़ाती है और डस्ट स्टॉर्म क्रिएट करती है, तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए. और जो ना फास्ट स्पीडी एस्टर्ली विंड, ईस्टर्ली विंड्स का तो इधर कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर 1 ही होना चाहिए, ठीक है. आगे देखते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया एंड इन राजस्थान. इन राजस्थान, राजस्थान में एक चीज तो डेफिनेटली ट्रू है कि राजस्थान में अर्बन पॉपुलेशन कम ही होनी चाहिए इंडिया के खिलाफ, ठीक है. तो आंसर होना चाहिए 31, हाँ बिल्कुल यही आंसर है, आंसर इसका 2 है, ठीक है ना. 31.15% इन इंडिया एंड 24.87% इन राजस्थान. ओके, विच अमंग द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इन राजस्थान. ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज नहीं है ये तीनों, जिंक भी है, मेरे को पता है वेदांता का है, सीमेंट इंडस्ट्रीज तो है ये, रिसेट मार्बल इंडस्ट्रीज भी अच्छे से हैं, तो आंसर होना चाहिए 1, बिल्कुल सही. एज पर द 2011 सेंसस विच स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान आर हैविंग द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इसमें लिखा हुआ है, जैसे बाड़मेर में 0.36% है और नागौर में 0.23%, सबसे कम है, ठीक है ना. इसके बाद आता है गंगानगर और हनुमानगढ़, लेकिन इसका आंसर होगा 1, लोएस्ट पूछा हुआ है, लोएस्ट परसेंटेज आंसर होना चाहिए 1. प्रपोज्ड ऑयल रिफाइनरी एट पचपदरा बाड़मेर इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है. पचपदरा जो मैं एक ऑयल रिफाइनरी बना रहे हैं,
ज्वाइंट वेंचर राजस्थान है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वो राजस्थान और एचपीसीएल का वो ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। राजस्थान इज ऑलमोस्ट अ सोल प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, सोल प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, लीड एंड जिंक ओर्स का तो मेरे को पता ही है, कॉपर ओर्स का नहीं है, तो वोलेस्टोनाइट का बिल्कुल है, तो वोलेस्टोनाइट का माइन से है बारमेर की दही से, सो आंसर सी होना चाहिए। फ्रॉम विच एरिया ऑफ द राजस्थान द मैक्सिमम क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, ओके ये तो कुछ बारमेर और सेनकोर बेसिन, इसमें तो कुछ पूछना ही था। हु हैज ऑथर्ड द गांधियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, ये अग्रवाल साहब ने किया है, श्रीराम नारायण अग्रवाल, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन द रिगार्डिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मुझे इसका इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इसका आंसर बी और सी होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो फॉर्मेशन हुआ था राइट, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसके अकॉर्डिंग उनको आदि प्रोविजंस में इलेक्शन होकर उनको सेलेक्ट किया गया था, तो नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजीज नॉट, लेकिन जो ब्रिटिश पीरियड में था वो एडल्ट फ्रेंचाइजीज नहीं हुई करती थी, तो ये तो मेरे को गलत ही लग रहा था, ठीक है ना। तो इट रिजल्ट्स फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शंस तो हुए थे, तो ये मेरे को सही लगा था, तो इट वॉज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, मल्टी पार्टी एक से ज्यादा पार्टी तो थी लेकिन मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था आने से, तो नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी तो मेरे को भी सही लगी। इट वर्क थ्रू द सेवरल कमिटीज, कमिटीज फॉर्मेशन सेवरल कमिटीज, मतलब इनके पार्ट जरूर हुए थे लेकिन सेवरल कमिटीज, अलग अलग कमिटीज तो नहीं बनी थी, तो इसका आंसर मैं वन ही लगाऊंगा। द एज ऑफ द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी डिटरमाइंड सच अथॉरिटीज, अब इसमें भी कन्फ्यूजन है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बोला गया है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 15 है उसमें हाई कोर्ट के जजेस को बोला गया है, हाई कोर्ट के जजेस के बारे में बताया गया है, तो इसमें कन्फ्यूजन तो है, लेकिन एक यही है जो एज ऑफ द जजेस सुप्रीम कोर्ट के उसको बताता है 60 से 62 की जो एज हाई कोर्ट की जजेस की, फिर भी देखते हैं क्या आंसर की देते हैं मेन, अभी तो मैं इसको 3 को आंसर सही मानता हूँ, ठीक है। विच इज नॉट करेक्ट मैच, यानी सवाई माधोपुर, ओके मैस्कॉट, ये अच्छा एक एग्जाम दिया था जिसको मैस्कॉट पता है, तो ऑब्वियसली सवाई माधोपुर का लायन नहीं है, टाइगर है, तो ये अच्छा था एक मैच में, तो आंसर वन होना चाहिए। चूरू का ब्लैक बक है, भिलवाड़ा का पीकॉक है, जैसलमेर का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये राजस्थान का भी नेशनल, वो राजस्थान का स्टेट बर्ड बर्ड एनिमल है। Which of the following elections of the Central Legislative Assembly was or were held under the Government of India Act 1919? तो 1919 के बाद मेरे को पता है 1935 का एक्ट आया था, तो 35 के बाद तो 35 का एक्ट लगेगा, तो ओनली इलेक्शन 1926 में जो हुए थे, तो आंसर ए होना, आंसर सॉरी मतलब ए की सही होना चाहिए, आंसर 3 होना चाहिए। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीयर्स इज नॉट करेक्टली मैच इन टर्म्स ऑफ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज अंडर आर्टिकल 240 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है, पुडुचेरी ई है इसका, तो वन आंसर है इसका, और ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी दादरा एंड नागर हवेली है, डी दमन एंड दीव, और ई जो है वो पुडुचेरी, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स, तो ये मैंने इधर लिख दिए हैं, ये मेंशन कर रखा है, आप इसको देख लीजिए कब कब हुए थे, तो आंसर होना चाहिए वन, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द सुरेंद्र सिंह कमेटी, कौन कौन थे, ए आर अतुल्य थे, एस एस राय थे, हरिदेव जोशी नहीं थे मेंबर, तो आंसर होना चाहिए केवल सी नहीं थे, तो आंसर होना चाहिए वन। ओके, so that's all for guys, I hope you you have made the great outcomes from this lecture, you'll make a great outcome from this lecture, and aasha karta hu ki aapko ye faydemand raha ho, so thank you guys, please agar aapko acha laga to mera channel subscribe kar dein, aur nahi acha lage to na kare, kyunki jo acha nahi lagta wo hame bilkul nahi karna chahiye, jo acha lage wo karna hi chahiye। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें चैनल, शेयर करें, तो इससे मेरी हेल्प होगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे भी ये वीडियोस पोस्ट करूँ। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।